हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेडिकल ट्यूबर पे। मैं दोस्तों मेडिकल ट्यूबर के अंतर्गत बहुत सारे मेडिकल फील्ड के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, इसके साथ साथ फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, एक्सरे और ईसीजी टेक्नीशियन, ये सारे के वीडियो होते हैं दोस्तों। तो अगर आपको मेरे चैनल पसंद आते हैं तो मेडिकल ट्यूबर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबाइए इस तरीके से यहाँ, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज बैक्टीरियोलॉजी और माइकोलॉजी के सुपर 30 चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑरामिन रोडामिन फ्लोरोसेंट स्टेन किसके लिए करते हैं, तो ये माइक्रो बैक्टीरिया जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके लिए दोस्तों। दूसरा है चावल के पानी के समान मल कब हो जाता है, तो ये कॉलरा के इन्फेक्शन के कारण। तीसरा है एलेक्स एलेक्स टेस्ट किस रोग के लिए करते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग या कोढ़ की बीमारी का कारण क्या होता है, तो इसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे होता है दोस्तों। यह ऐसा रोग है जिसमें दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट पाँचवा है बैक्टीरिया का फ्लैजेला स्टेन किससे करते हैं, तो लोफलर विधि के द्वारा करते हैं। हैंगिंग ड्रॉप मेथड किस लिए करते हैं, तो यह होता है मोर्टिलिटी ऑफ बैक्टीरिया के मोर्टिलिटी के मतलब ज्ञान के लिए करते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया के विकास व वृद्धि का उत्तम पीएच क्या होता है, जो पीएच मान होता है 7.2 से 7.6 पीएच मान बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। नेक्स्ट आठवां है ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया किससे डिक्लेराइज नहीं होता है, तो दोस्तों यह एसिड एंड अल्कोहल दोनों से डिक्लेराइज नहीं होता है, इसीलिए इसे एसिड फास्ट बेसिलाई बोला जाता है, AFB स्टेन जिसका नाम होता है दोस्तों। नेक्स्ट नवा नंबर है किस बैक्टीरिया द्वारा ग्रीनिश पिगमेंट प्रोडक्ट उत्पन्न होता है, तो ये होता है प्यूडो मोनास के द्वारा। नेक्स्ट दसवां है डिप्थीरिया के पहचान के लिए अल्बर्ट पॉन्डर्स एंड नाइजर स्टेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ग्यारहवा नंबर हो गया गैस प्रोडक्शन एक्सेस के लिए डुरहम ट्यूब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण के निदान के लिए सहायक एंजाइम, जो एंजाइम होता है वो एडिनोसिन डियामिनेस होता है, जिसके द्वारा ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण का निदान के लिए सहायक होता है। हीमोफिलस एजिप्टिकस का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है कोचविक वेसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटॉन्स स्टेन किस बैक्टीरिया के पहचान हेतु करते हैं, तो स्पायरो किट्स के लिए फोटॉन्स स्टेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑयल इमर्सन लेंस द्वारा एक क्षेत्र में एक बैक्टीरिया है तो पर एमएल कितना होगा, तो पर एमएल 1 लाख बैक्टीरिया होगा अगर एक ऑयल इमर्सन लेंस में अगर एक बैक्टीरिया दिखाई देती है। नेक्स्ट 16 नंबर क्या है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु किस रंग के होते हैं, तो ये बैंगनी या नीला रंग के हम कह सकते हैं दोस्तों। दूसरा है 17 नंबर ग्राम निगेटिव जीवाणु किस रंग का दिखाई देता है, तो लाल या गुलाबी दिखाई देता है। KLB थ्रोट स्वाब किस लिए बनाते हैं, तो यह डिप्थीरिया के पहचान हेतु एवं अन्य रोग जैसे निमोनिया हो गया या फिर अन्य पहचान के लिए भी किया जाता है। और KLB जो थ्रोट स्वाब होता है वो डिप्थीरिया के लिए बनता है दोस्तों। KLB का फुल फॉर्म होता है क्लेविस लोफलर बेसिलस। नेक्स्ट नंबर 19 कुष्ठ रोग की मुख्य दवा का नाम क्या है, तो एडेप्सन जो होती है वो कुष्ठ रोग की मुख्य दवा होती है। नेक्स्ट 20 नंबर कुष्ठ रोग की जांच किससे किया जाता है, तो यह स्किन टेस्ट करते हैं जिसमें जिल नैनसन स्टेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर फंगस बॉडी के किस भाग को प्रभावित करता है, तो फंगस स्किन, त्वचा, बाल, नाखून इत्यादि सभी भागों को वह प्रभावित करता है। नेक्स्ट 22 है किस परीक्षण के नमूने को फार्मालिन में नहीं रखते, तो जो बायोप्सी के नमूने होते हैं उसे फार्मालिन के नमूने पे नहीं रखते हैं उस नमूने को, तो गैस गैंग्रीन किस जीवाणु के कारण होता है, तो एक क्लास्ट्रिडियम परफ्यूजेंस जो जीवाणु होता है उसके कारण गैस गैंग्रीन होता है। नेक्स्ट 24 सिफिलिस रोग किस कारण होता है, तो ये ट्रेपोनेमा पेलिडम जीवाणु के कारण सिफिलिस रोग होता है। नेक्स्ट 25 नंबर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हेतु किस नमूने का परीक्षण होता है, तो इसके लिए CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड्स का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 गैस गैंग्रीन में क्या होता है, तो इस गैस गैंग्रीन में ऊतक की मृत्यु होती है जिसे हम टॉक्सीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट 27 फंगस इन्फेक्शन है तो जांच में गीला माउंट में क्या उपयोग करते हैं, माउंटिंग द्रव के रूप में, तो इसके लिए 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट खूनी पेचिस किस जीवाणु से उत्पन्न होता है, तो यह सीजेला या इंटेरोबैक्टीरियासिस के कुल के जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट 29 नंबर फूड पॉइजनिंग किस जीवाणु से होता है, तो यह बाटुलिनम के द्वारा होता है, जो फूड पॉइजनिंग होता है बंद डब्बे के चिकन, तरकारी, सब्जियों के खाने से सेवन से भी फूड पॉइजनिंग होता है और यह जीवाणु
इसमें प्रभावित होते हैं, इसी के द्वारा एक दूसरे में फैलते हैं। और दोस्तों जो फूड पॉइजनिंग होती है, ये जीवाणु 80 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक ये मर जाते हैं। इसीलिए अगर कभी अगर आप पैकिंग डब्बे बंद चिकन खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं तो उसे उबाल लेना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं ये जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हैजा का जीवाणु 1% चूने के घोल में कितना समय में नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर है 1 घंटे में हैजा का जीवाणु 1% चूने के पानी के घोल पर नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज का सुपर 30 यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उनका लाभ ले सकें। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।